हेलो, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दोस्तों नमस्कार। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अब जाऊंगी सामान लेने के लिए। स्वीट्स लेकर आऊंगी और दिए लेकर आऊंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी हम नहीं ला पाए क्योंकि सबके पास काम है, सब ऑफिस में है, सब बिजी हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मैं अकेली हूँ घर पर। तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं ही ले आती हूँ। तो मैं जाऊंगी अभी स्वीट्स लेने के लिए। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी शॉप है स्वीट्स की, वहाँ जाऊंगी मैं स्वीट्स लेने के लिए। और मैंने अपने लिए ड्रेस भी मंगवा ली है। आज मैं दिखाऊंगी आपको मैंने कौन सी ड्रेस मंगवाई है। दो ड्रेस आई है मेरे पास, ठीक है, तो दोनों आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं अब क्या करने वाली हूँ, पहले एक्चुअली मैं अभी कुछ खाऊंगी, स्नैक्स खाऊंगी और चाय बनाऊंगी। तो चलिए पहले स्नैक्स कर लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो मैं व्लॉग में बना रही हूँ स्नैक्स। तो मैं बनाऊंगी अपने लिए फ्राइज बनाऊंगी। आई लाइक फ्राइज। और बनाऊंगी चाय, उसके बाद मैं जाऊंगी। और आज मेरा मन कर रहा है मैं खाऊं समोसे। मेरा बहुत देर से मन समोसे खाने का कर रहा है, लेकिन अब मैं अभी जाती हूँ। जहां मैं जाऊंगी ना वहां का आपको सीन दिखाऊंगी, ठीक है। छान लेते हैं क्या दिख रहा है। तिल तिल सा, क्या तिल तिल सा लग रहा है इसके अंदर। तिल पता नहीं कहां से आ गया इसके अंदर। चाय के लिए दूध देखते हैं, दूध है कि नहीं है। दूध नहीं है चाय के लिए, तैयार। यार चाय के लिए दूध नहीं है, क्या किया जाए। आप दूध लेने जाओ। चाय के लिए दूध नहीं है, दूध लेने जाना पड़ेगा मुझे अभी। पर पहले मैं कुछ खा के जाती हूँ। मैंने अपने लिए देखिए ना ये सेव भी लेके आई हूँ मैं। ये मीठे वाले सेव हैं, गुड़ वाले। बहुत तेज भूख लगी मुझे। तो मैं ना चाय के लिए दूध लेके आती हूँ, सामान ले ही आती हूँ, फिर खाती हूँ, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। ये समीर थोड़े ना गाइस, आई हूँ मैं शॉपिंग करने। मैंने आधे से ज्यादा शॉपिंग कर ली है। जा रही हूँ मिठाई लेने, जा रही हूँ मैं मिठाई लेने के लिए। अब लेके रख लेती हूँ, कल दिवाली है, कल कौन लेगा। चौधरी अपने शादी में तो बुलाया नहीं गया, बड़ा भारी वो कर रहा है। वही भी थी, ऐसी भी थी, बुलाना नहीं होता है। कितनी तरह की मिठाइयाँ, माय गॉड। तो ये ले रही हूँ मैं, 1060 रुपए की मिठाई हो गई मेरी। और आधी किलो लड्डू बता। आज मेरे समोसे नहीं मिल रहे। आज मेरा इतना मन कर रहा था समोसे खाने का। बता दो तुम, बता दीजिए मेरा पैक कैसे होगा। पर्ची अंदर दे दी।
तो गाइस मैंने यहाँ पर समोसे खूब ढूंढे, समोसे नहीं मिले, तो फिर मैंने यहाँ पर सामने जो चाट वाला दिख रहा है ना, वहाँ से मैंने चाट खाई थी, मैंने टिक्की खाई थी और गोलगप्पे भी खाए थे, पर वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि खाऊं कि वीडियो शूट करूं। अच्छा चलिए, अब इसके बाद क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो छूट गया था, इसलिए मैं इसमें दिवाली के कुछ सीन्स भी जोड़ रही हूँ। तो ये बिट्टू ने रंगोली डाली थी और बहुत ही प्यारी सी रंगोली बिट्टू ने बनाई है वाकई में, और मुझे तो नहीं लग रहा था बना लेगी, लेकिन उसकी क्योंकि पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पेंटिंग करती है बिट्टू, इसलिए बहुत सुंदर रंगोली इसने बना के यहाँ पर रेडी की है, और मैं बस वही तारीफ़ कर रही हूँ इस वीडियो में। और दिवाली की पूजा की तैयारी करने वाली हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये दिवाली का प्री दिवाली वीडियो है ये, और ये रह गया था। तो यहाँ पर देखिए हमने दिए वे सब तैयार कर लिए हैं, बस हम पूजा करने के लिए तैयार थे, और यहाँ पर हमने पूजा कर ली है, माता जी को दिया जला दिया है, गणेश जी को दिया जला दिया है, प्रसाद चढ़ा दिया है ना, फ्रूट फल सब कुछ चढ़ा दिया है, और पूरा यहाँ पर पूजा हमने कर ली है। और हमारा जो ब्रूनो है डर रहा है, ये हमारी शारदा माँ है और लक्ष्मी गणेश हैं, इनके सामने भी दिया रख दिया है, ऊपर हमारे गुरुदेव जी हैं, और ये देखिए रंगोली, और सब ने दिए जला लिए हैं, पड़ोसी ने भी दिए जला लिए हैं, क्योंकि अब ये सोसाइटी है तो यहाँ बहुत कंजस्टेड एरिया रहता है ना। तो देखिए मैंने ये गुलाब के फूल से यहाँ पर सीढ़ी को भी सजाया था, देखो कितनी सुंदर सीढ़ी को सजाया था गुलाब के फूल लगा के।